नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। बात करते हैं मेलेडी की। एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर होने के लिए आपको एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर होना अनिवार्य है। कंपोजर यानी कि कॉम्पोजिशन। आपको मन में बहुत अच्छी अच्छी धुन सोचनी है और जो भी आपके मन में धुन आती है उसे बहुत ही जल्दी से आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर उतार देना है। वही होगा एक सही कंपोजर, जो सही से मेलेडी सोच सके, पूरी की पूरी अरेंजमेंट बना सके। कहाँ से राइज होगा, कहाँ से ड्रॉप होगा, मेरा गीत किस तरह से चढ़ेगा, कहाँ से उतरता है, वर्स कैसे चेंज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे चेंज होते हैं, ये ओवरऑल जो व्यक्ति मन में सोच पाएगा वही एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर और एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर बन पाएगा। हमारे सामने है यहां पर चैनल रैक। नहीं भी हो तो ये तीसरा बटन, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, क्लिक करेंगे चैनल रैक और यहां पर है प्लस। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, आप ऊपर यहां पर देख सकते हैं अपर्चर कैसेट, ऑगमेंटेड ग्रैंड पियानो, ये सब एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं जो आपके नजर नहीं आएंगे। लेकिन इस कंट्रोलर के नीचे जितने भी प्लगइन्स हैं ये सब स्टॉक प्लगइन हैं, यानी कि एफएस स्टूडियो के साथ ही आने वाले, जो आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। साथ में सॉफ्टवेयर खोलकर साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर साथ साथ देखिए, पॉज कीजिए, थोड़ा वहां देखिए, फिर देखिए, तभी ये एकदम सही आपको समझ आने वाला है। यहां से मैं एक इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूं, एफएल कीज। अब मैं एफएल कीज ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक बिगिनर के लिए एफएल कीज से अच्छा कोई टूल नहीं। ये एक बेसिक पियानो है, राइट? कितना ही आसान। मैंने बंद किया, यहां पर मुझे दिखने लग गया है चैनल रैक पर एफएल की। ठीक है, मैं कोई भी यहां से एक टेम्पो ले लेता हूं। चलिए इस बार मैं लेता हूं 130। मेट्रोनोम मैंने ऑन रखा है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही बात की थी, मेरी लय के लिए यानी टेम्पो के लिए। अब यहां पर मैं मेलेडी किस तरह से बनाऊंगा। ये जो मेरी एफएल की है या जो भी मैंने यहां पर प्लगइन लिया है, मैं इसके ऊपर करूंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही यहां पर आया पियानो रोल। अब ये वही पियानो रोल है जो यहां से भी आ जाता है, दूसरा बटन जिसकी हमने बात की थी। अब देखिए, पहले वो प्ले नहीं होता था, लेकिन अब एफएल कीज के साथ पियानो रोल कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं अब यहां पर सुर हमें सुनाई देंगे, जहां जहां मैं लेफ्ट क्लिक से क्लिक करता जाऊंगा वहां पर वो सुर आते जाएंगे, राइट क्लिक से रिमूव होते जाएंगे। राइट, कितना ही आसान। आइए अब हम सोचते हैं किस तरह से मैं एक मेलेडी गुनगुना सकता हूं, बना सकता हूं। 130 की टेम्पो है, मेट्रोनोम को चलाकर देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, पैटर्न और सॉन्ग। एक नंबर का मेरे पास पैटर्न है, मैं पहले पैटर्न को क्लिक करता हूं और प्ले करता हूं। ठीक है। ठीक है, तो मैंने गुनगुनाया और जल्दी से वो नोट ढूंढ लिया। हम बचपन से ही देख रहे हैं, हमारे घर में कोई छोटा सा कीबोर्ड होता है, यामाहा का या कैसियो का, तो हम मन में गुनगुनाते हैं और जाकर वो की ढूंढ लेते हैं कि वो सुर कहां पे है, वहीं पे है। आपको यही चीज यहां करनी है। अब मैं जैसे जैसे गुनगुना रहा हूं, अगेन जैसे हमने ड्रम्स की बात की थी, वैसे ही मेलेडी में भी हमें वो लाइंस देखनी है। तारा, ता, एक नोट यहां मिल गया। यहां पर ये जो काली पट्टी है इस पे मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा, थोड़ा जूम इन हो जाएगा, मैं काफी दूर एक नोट रख लेता हूं। ये मैंने क्यों रखा है, अगर ना रखूं तो यहीं से वो बार बार लूप होता जाएगा। देखिए, पर अगर मैं कहीं दूर रख दूं, राइट, तो काफी आगे तक वो चलता रहेगा और मैं आराम से सोच पाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। तारा रा।
तारारा। नाइस, मैं बाहर आता हूं, यहां रखता हूं ये पैटर्न। ये कहां से आया? खाली था एकदम, बाहर किस तरह से आया? ये प्लेलिस्ट। जब भी आप कहीं खो जाए, कभी यहां कभी इधर, आपको घबराना नहीं है। याद रखिए वही मेरे 5 बटन्स। तो पहले वाले पे क्लिक किया, मेरी प्लेलिस्ट आ गई। पैटर्न, इसमें मैंने क्लिक किया और मेरे पास एक पैटर्न आ गया। राइट, ये पैटर्न पकड़ा मैंने, यहां रखा। अब वो पैटर्न क्यों है? ताकि जब हम अलग अलग पैटर्न्स हमने वहां सिलेक्ट कर रखे हों तो अकेला पैटर्न सुनने के लिए, लेकिन अगर आपको पूरे का पूरा गाना सुनना है तो मैं या तो सॉन्ग पे क्लिक करूंगा या फिर आप पॉइंटर को माउस के यहां क्लिक वैसे भी करेंगे तो भी वो सॉन्ग आ जाएगा। सुनते हैं। नाइस, बहुत ही अच्छी धुन बन गई, बहुत ही अच्छी लूप बन गई है। अब आपको याद रखना है ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? ये मेरे बार हैं। 1 से 2 मेरा एक बार, ये मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया हट गया। 6 से 7 मेरा एक बार है, राइट क्लिक प्रेस करके रखा, ये आ गया 7 तक। फिर आगे तक गए, ये 8, ये 9, ये 10, यानी कि एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ये 4 बार मैंने सिलेक्ट किए। तो हमेशा आप इवन नंबर पे अगर शुरुआती में चलते रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4x4 पे चलेंगे। नाइस, अब मैंने इसके ऊपर किया क्लिक। अब सॉफ्टवेयर ने याद कर लिया है कि पैटर्न 1 को मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। ये देखिए कितना ही आसान, राइट क्लिक से वही रिमूव हो जाएगा जैसे हमने ड्रम्स वाले लेक्चर में देखा था। तो इसे क्लिक करते हैं और एक यहां रखते हैं, एक यहां रखते हैं। दूसरी चीज, राइट क्लिक रिमूव किया, चलिए सारे का सारा कर लिया, पैटर्न 1 सिलेक्टेड है। अगर मैं प्रेस करके रखूंगा और आगे तक मैं ले जाऊंगा तो वो अपने आप कॉपी पेस्ट करता जाएगा, देखिए किस तरह से। राइट, 1, 2, 3, 4 और जितना भी आगे तक मैं जाता जाऊं वो कॉपी करता रहेगा और वापस राइट क्लिक से रिमूव। ठीक है, बहुत ही अच्छा। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, वापस जाता हूं पीछे को, यहां से पकड़ के मैं आगे पीछे ले सकता हूं। अब मैं कोई और मेलोडी सोचना चाहता हूं, कंट्रोल प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके इस सब को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल छोड़ दिया और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन है, डिलीट प्रेस किया, चला गया। नाइस, फिर से कोई और मेलोडी सोचते हैं। तुम तुरु तुम तुरु तुम तुरु तुम तुरु। तुम तुरु तू तुरु। नाइस, कितना ही आसान। अगेन यहां क्लिक करता हूं, इसको रिमूव किया, यहां क्लिक किया, ये देखिए जो जो आप मन में सोचते रहेंगे वैसी वैसी मेलेडी बनती जाएगी। मैं यहां जाता हूं ऑल पे, यहां से पैक्स, यहां से हम जाते हैं लूप्स। चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप यहां रखते हैं, डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लेता हूं। कितना ही आसान, राइट? ऐसा लग रहा है कि हम गाना बनाने लग गए हैं। नाइस, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डबल क्लिक करता हूं, कंट्रोल प्रेस करता हूं, सबको सिलेक्ट करता हूं, डिलीट, वापिस से कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू हो जाएगा, वो वापिस आ गया। अगर आप कोई एक नोट को रिमूव यहां से करते हैं, कोई एक नोट यहां से करते हैं, कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, लीजिए वापिस आ गया, कितना ही आसान। अब मैं इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना चाहता हूं,
मैं यहां क्लिक करता हूं, FL कीज को राइट क्लिक करता हूं और इस बार मैं करूंगा रिप्लेस। मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करना चाहता हूं, चलिए मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट लेता हूं। मैंने लिया एक सिंथेसाइजर हार्मलेस। ये बहुत सारे बटन हैं, हमें देखकर घबराहट हो जाती है कि पता नहीं वो क्या करते होंगे। धीरे 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 सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप इसे इस तरह से लेकर चलिए कि आप जीवन में पहली बार कार सीख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग भी संभालना है, नीचे तीन हमें क्लच भी दिख रहे हैं, हमें ब्रेक भी दिख रही है, एक्सीलेटर भी दिख रहा है, और लेफ्ट साइड पे मुझे क्या दिख रहा है, एक हैंड ब्रेक भी दिख रही है, और मुझे गियर भी करना है। तो 6-7 चीजें हैं, दो हाथों से या दो पैरों से किस तरह से करूंगा। सुनने में काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक बार जब हम कार सीख लेते हैं तो चलाते वक्त हमें पता भी नहीं लगता कि कब गियर चेंज हो रहा है, कब हम क्लच प्रेस कर रहे हैं, राइट? वैसा ही ये चीज होने वाली। आइए अब इस पे कोई मेलोडी बनाते हैं। ये एक प्लक है, मैं इसे टाइट कर लेता हूं जो मैंने किया है। इस पे ध्यान मत दीजिए, आने वाले समय में देखेंगे जो मैं कर रहा हूं। मैंने बस एक इंस्ट्रूमेंट हल्का सा बेसिक डिजाइन किया है, राइट? कंट्रोल, सब कुछ पकड़ा, डिलीट। एक नोट में कहीं भी प्रेस कर देता हूं, क्यों? ताकि बाहर मुझे वो दिखता रहे, ठीक है? राइट क्लिक से सारा रिमूव किया, ये सारी लूप जो थी ड्रम ये भी रिमूव की, और इसको हम पकड़ के यहां तक ले आते हैं। अब 130 की जगह कोई और टेम्पो देखते हैं, राइट? इसको हम पकड़ते हैं और 109 पे आ गई। चलिए यहां से क्लिक करूंगा, म्यूट हो जाएगी। टंग टंग, आगे लगता है कुछ है। जी हाँ, देखा, तभी वो आगे तक गया, नहीं तो परफेक्ट लूप अपने आप बन जाएगी। 1 2 3 टंग 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 टंग। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा है, डबल क्लिक, जल्दी से बनाते हैं कहीं हम भूल ना जाएं। बहुत अच्छी मेलोडी आप सोच रहे हैं, नाइस। टंग टंग टंग, हाँ, सबसे पहले एक नोट सोचेंगे, टंग 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 टंग। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, नाइस। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम बाद में बात करेंगे की फाइंड करने का, की इस तरह से ही फाइंड होगा हमिंग कर करके। टंग टंग टंग, पीछे लेते हैं, यहां रखते हैं, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, आपको इजीली दिखेगा, ठीक है? तम 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 तम, हम ये बनाना चाहते हैं, ठीक है? अब मुझे लाइंस जो हैं उसे रीड करने की आदत पड़ चुकी है, काफी साल हो गए हैं, इसलिए मुझे बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कहां पर रखना है, और अगर कुछ गलत भी रखा जाए तो बहुत जल्दी से करेक्शन हो जाती है। तम 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 ता 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 ता, ये तीन नोट मुझे ध्यान से ढूंढने हैं और सही टाइम पे लगाने हैं। किक के आगे तम तम तम, यहां नहीं, यहां, देखा, इसे थोड़ा जूम इन करते हैं। वाओ, कितना ही आसान, राइट? तम 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 तम, ठीक है, कंट्रोल। अब ये ध्यान से देखिएगा, हमें वापिस से तम तम ये बनाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, माउस का पॉइंटर छोड़ा और मैंने कंट्रोल भी छोड़ दिया। अब ध्यान रखिए, शिफ्ट प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड का, शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा है, यहां आए, इसे पकड़ा, आगे तक ले गए, जहां भी मैं रखना चाहता हूं मैं यही रखना चाहता हूं, क्योंकि 1 पे जैसा था वैसे ही 2 पे, और शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया, नाइस। यहां किया राइट क्लिक, बहुत ही आसान। चलिए थोड़ा सा और सोचते हैं, तम 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 ला ला ला। बहुत ही आसान, कंट्रोल, इसे पकड़ा। प्रैक्टिस करना चाहें तो लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास हैं 2 सेकंड, नाइस। चलिए कंट्रोल, ये पकड़ा और डिलीट, बहुत ही आसान। और कुछ सोचते हैं, 109 नहीं, हम सोचेंगे चलिए टेम्पो को हम ले जाते हैं 140 तक, नाइस।
मैं जी पे ही सोच रहा हूँ, कुछ और सोचते हैं, कहीं और क्लिक करें, नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ सोचते हैं। अब टू 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 टू, वाओ नाइस। अब तुरु 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 तुरु। ठीक है, ये बनाते हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तुरु 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 तुरु। अब कंट्रोल वही पुराना, इसे सिलेक्ट किया, छोड़ा, शिफ्ट प्रेस किया, ये लीजिए। फिर इस सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, ये लीजिए। देखते हैं क्या बना। नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, इसको समय लगता है। हमने इस पूरी सीरीज को ऐसे नहीं करना कि लेक्चर वन देख लिया, टू देख लिया, और जिस दिन ये पूरे का पूरा लेक्चर अपलोड हो गया, एक ही दिन सारे देख लिए 21 के 21, ऐसे नहीं करते। हमें इसको प्रॉपर एक पेड कोर्स की तरह लेकर चलेंगे। आप, सच बता रहा हूँ, जितने भी बिगिनर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, जब आप किसी इंस्टीट्यूट जाएंगे, कहीं एकेडमी जाएंगे, वहाँ आप लाखों रुपए देंगे, यही चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो प्रैक्टिस कीजिए। तुरु 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 तुरु, वाह, तुरु 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 तुरु, तू हू। अब मैं साथ साथ सोचता हूं मुझे नोट जल्दी कैसे मिल जाता है, वही प्रैक्टिस। देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज बनी है, है वहीं पे, नोट कहीं और सोच लिया मैंने। तुरु तुरु ता ता ता, हाँ ठीक है। तो ये वाला यहाँ लगा दिया है, इस वाले को भी यहाँ ले जाते हैं, ये हटाया, इसको भी यहाँ। तू 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 तू, ना रा रा रा, ठीक है, ये रिमूव किया, ला 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 ला। ठीक है, साथ एक और नोट लगाते हैं, तरा 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 तरा। अभी फिलहाल हमें म्यूजिक थ्योरी नहीं पता कि ये किस तरह से लगा रहे हैं। जब हम लगाते हैं बेसुरा है, कोई बात नहीं, म्यूजिक थ्योरी की बात भी हम बाद में करने वाले हैं। अभी जब म्यूजिक थ्योरी नहीं पता तो हम दिमाग से खेलेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे। वो किस तरह से, मुझे मालूम है डी शार्प है, ये शार्प क्या है वो भी हम नाम बाद में बताएंगे किस तरह से इसे शार्प कहते हैं। फिलहाल डी हैश आपको लग रहा है, ठीक है, हैश पे लगा देते हैं, कोई चक्कर नहीं। चलिए, ये एफ है, यहाँ सी दिख रहा है, और कहीं सी है, अरे वो सी रहा, ठीक है दोस्तों, आइए सी पे लगाते हैं। ये पकड़ा, वाह, इसे सी पे लगा दिया। ये वाले को कहाँ लगाएं, चलिए एक जी पे लेते हैं, और इस सी को एफ पे। नाइस, सुनते हैं क्या बना। नाइस, कितनी ब्यूटीफुल चीज बनी, राइट। कंट्रोल सबको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया है, बहुत ही आसान। राइट क्लिक करते हैं टेम्पो पे, 90, देखते हैं 90 पे क्या फील आती है। मेट्रोनोम ऑन करते हैं, पम 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 पम, कोई और सुर देखते हैं, चलिए यहां देखते हैं, पम 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 पम, और कुछ देखें, पम 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 बाबा, पम 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 पापा। नाइस,
कितना ही आसान, आपने जैसे ही सोचा वहां बन गया। क्यों? प्रैक्टिस से। कंट्रोल, पकड़ा, डिलीट। अब ये जो हम सोच रहे हैं, मान लीजिए यही चीज मैं रखता हूं, बाहर आता हूं, ये बना। अब अरेंजमेंट किस तरह से होगी? गाना मेरा स्टार्ट होगा, ये ना 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 तारे ना ने ना तारे रा ताने ना ने ना चेक इस तरह से गाना धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको बहुत सारी मेलोडीज की प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा भी अगर आप सर्च करेंगे YouTube के ऊपर ही, मेरे चैनल पर ही, मेलोडी मास्टर क्लास, तो उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स की बहुत सारी और भी मैंने बताई है किस तरह से मेलोडीज बनती हैं। आपको याद रखना है ये सुरों की प्रैक्टिस करनी है किस तरह से, तो आपको साथ साथ बस गुनगुनाते जाना है। पम, त, ल, जो भी आप बोलना चाहें आपको जल्दी से वो याद हो जाए, सो दैट आप जब भी कोई गुनगुनाए धुन, नाइस, या फिर ये लो पकड़ा शिफ्ट, ये लीजिए आगे, आसान तो था। तो तररा बहुत ही आसान। इस तरह आप अलग अलग मेलोडी की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका जो अंदर का कंपोजर है वो जागता रहेगा। याद रखिए, एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर होने के लिए आपको एक अच्छा कंपोजर होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक लिए देव नेक्स्ट लेवल, साइनिंग आउट, नमस्ते।